नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे पुर्तगाल एवं स्पेन के उपनिवेशी साम्राज्य। पुर्तगाल और उपनिवेशी साम्राज्य को हम प्रारंभिक उपनिवेशों की प्रक्रिया के टॉपिक के अंतर्गत भी रख सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में उपनिवेश स्थापित करने का श्रेय पुर्तगाल और स्पेन को ही जाता है। लेकिन हम चर्चा करेंगे पुर्तगाल, इसको कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं पुर्तगाल और स्पेन के उपनिवेशी साम्राज्य को ही मैं मध्य में रखूं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये टॉपिक है हिस्ट्री का, राइजेज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, आधुनिक पश्चिम का उदय 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का ये घटना है। और मैं बता दूं कि ये हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 से लिया गया है, LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये शामिल है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है पेपर 2 का, उनके लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही ये गेस किया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में तो आएंगे ही। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको। अब मैं चर्चा करूँगी पुर्तगाल और स्पेन के उपनिवेशी साम्राज्य। उपनिवेशी साम्राज्य का मतलब क्या होता है? उपनिवेश का मतलब होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश में जाकर पैसे निवेश करता है, व्यापार स्टार्ट करता है, इसके लिए वो अपने बने हुए वस्तु यानी तैयार प्रोडक्ट को वहाँ के मार्केट में जाकर बेचता है, फिर वहाँ से कच्चे माल लेकर आता है ताकि वो प्रोडक्ट फिर से तैयार कर सके। तो इस तरह से जहाँ वो अपना जिस जगह को अपना बाजार बनाता है, जहाँ अपने पूंजी निवेश करता है, उसी को उपनिवेश कहते हैं, उस जगह को उपनिवेश कहते हैं, और जिसने पैसा लगाया है उसका उपनिवेश कहते हैं। ओके, तो इस परिपाटी का जो ट्रेंड चला है, जिसने स्टार्ट किया, वो था स्पेन और पुर्तगाल, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल यूरोपियन कंट्री हैं, और यहाँ के राजे या जो भी शासक थे उन्होंने समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया ताकि वो बाहर के देशों में जाके अपने उद्योग स्थापित कर सके, अपने उपनिवेश स्थापित कर सके, क्योंकि उस समय तक यूरोपियन कंट्री में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल चुका था और औद्योगिकरण के क्षेत्र में काफ़ी विकास हो चुका था। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो थीम था कि मैं आपको एक प्रकार से ये कहूँ कि मैं ब्रीफ में समझाना चाहती थी कि उपनिवेश क्या है, स्पेन और पुर्तगाल की जो बातें हो रही है ये आखिरकार है क्या। चलिए, यूरोप के पुनर्जागरण काल में समुद्री यात्रा तथा भौगोलिक अनुसंधान के साथ उपनिवेशों की स्थापना की गई। ये तो बात सही है कि यूरोप में जब रेनेशा हुआ यानी पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण में नए नए क्षेत्रों में विकास किया गया, साहित्य का सृजन किया गया, नए देशों की खोज की गई, समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया गया, ऐसे परिस्थिति में उपनिवेशों की स्थापना भी की गई। इन सबसे क्या हुआ, उपनिवेश साम्राज्य की स्थापना की दिशा में देशों ने कदम बढ़ाया। उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य होता है नवीन क्षेत्रों को प्राप्त कर वहाँ का धन अपने मातृ देश लाना। यानी कि उपनिवेश का एक सीधा सिंपल सा शब्द ये भी कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश में जाना, अपनी पूंजी निवेश करना, वहाँ व्यापार करना और वहाँ से अपनी कमाई को अपने देश में लाना। इसी उद्देश्य से स्पेन के अमेरिकी उपनिवेश स्थापित किए गए थे। उपनिवेशों का उद्देश्य उनसे व्यापार के द्वारा लाभ प्राप्त करना था। पुर्तगाल का उद्देश्य पूर्व के देशों से व्यापार करने में लाभ प्राप्त करना था। धीरे धीरे पुर्तगाल के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और व्यापार के साथ साथ उसकी क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी सम्मिलित हो गई। यानी कि पुर्तगाल ने सबसे पहले ये कदम उठाया और उसने पूर्व के देशों में अपना व्यापार करना स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे वो व्यापारी के साथ साथ उस क्षेत्र में उसकी आकांक्षाएँ ज़्यादा बढ़ गई, वह वहाँ के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करके अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करने लगा। इस प्रकार उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के रूप में परिवर्तित होने लगा। और जब कोई उपनिवेशी जो साम्राज्य अपना स्थापित कर रहे थे, उपनिवेश स्थापित कर रहे थे दूसरे देशों में, वे जब उनकी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ गई तो ये किसका रूप ले लिया, साम्राज्यवाद का। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है
कि किसी दूसरे देश पे जाके जो उससे कमजोर हो उस पे अपना अधिकार करना, वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक मामलों में, वहाँ के प्रशासनिक मामलों में अपना वर्चस्व कायम करना। स्पेन और पुर्तगाल के बाद उपनिवेशों की स्थापना में इंग्लैंड ने प्रवेश किया। आरंभ में अमेरिका में अपने प्रवासी बसाना, पूर्व में व्यापार करना इंग्लैंड का उद्देश्य था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चात व्यापार तथा उत्पादन के आकार में वृद्धि हो गई। अब कच्चा माल प्राप्त करने का स्रोत तथा निर्मित माल के लिए उपनिवेशों को बाजार समझा जाने लगा। उपनिवेशों को प्राप्त करने तथा व्यापारी के अधिकार स्थापित करने के कारण साम्राज्यवाद के रूप में भी परिवर्तन हुआ, जो 18वीं शताब्दी से यूरोपीय युद्धों का कारण भी बना। तो इस तरह से उपनिवेश स्थापित करने का श्रेय तो स्पेन और पुर्तगाल को जाता है। उसके बाद से इंग्लैंड भी इसमें प्रवेश किया, क्योंकि इंग्लैंड में तो औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिससे वहाँ अत्यधिक उत्पादन की आवश्यकता थी, उत्पादन के आकार में वृद्धि हुई और उसे कच्चे माल की आवश्यकता थी, तो इसलिए उसने उपनिवेश विश्व साम्राज्य को अपने आगे बढ़ाया। अब हम यहाँ देखेंगे, इंग्लैंड के उपनिवेश की भी चर्चा करेंगे, उसके लिए एक अलग लेक्चर होगा, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल देखेंगे स्पेन और पुर्तगाल का। तो स्पेन के उपनिवेश, स्पेन में किस तरह से स्पेन के उपनिवेश यानी स्पेन ने किस तरह से दूसरे देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। स्पेन के राजा फर्डिनेंड तथा रानी इसाबेल की आर्थिक सहायता से उनकी समुद्री यात्रा संपन्न हुई थी, अतः स्पेन को इस खोज का लाभ प्राप्त हुआ और उसने अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। सबसे पहले कोलंबस कहाँ गया? बहामा द्वीप समूह पहुंचा। इसके बाद हैटी, क्यूबा का उसने पता लगाया। उसने द्वितीय यात्रा में जमाइका, तीसरे में वेंजुएला, चौथी यात्रा में होंडुरास खोजा, और इस प्रकार फ्लोरिडा से लेकर वेंजुएला का प्रदेश स्पेन ने अपने अधिकार में कर लिया और उपनिवेशों की स्थापना की है। स्पेन के एक अन्य नाविक हर्नाडो कोर्टस ने 1519 ईस्वी में मैक्सिको को ज्ञात किया है। स्पेन ने इस प्रदेश में भी उपनिवेश स्थापित किए। इस प्रकार स्पेन उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने वाला पहला देश था। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से स्पेन के नाविक, वहाँ के राजा, वहाँ के शासक उनको आर्थिक सहायता देते हैं। किसको? कोलंबस को। वो जाके स्पेन का नाविक एक नए देश की खोज करता है और वहाँ पे वो अपने अलग अलग जगहों पे अपने उपनिवेश स्थापित करता है। और एक घटना में और बता दूँ कि कोलंबस जो निकला था वो भारत की खोज में निकला था, लेकिन उसे भारत तो नहीं हाथ लगा, लेकिन उसने एक नई दुनिया की खोज अवश्य कर दी। ये बात सही है कि उसने एक नई दुनिया की खोज की थी, जहाँ सोना बृहत पैमाने पर प्राप्त था, जो आज एक विश्व का नंबर देश के रूप में फेमस है। लेकिन वो खोज तो कर दिया, लेकिन अनजाने में, क्योंकि वो भारत की खोज में गया था, और भारत न खोजने की उसके अंदर जो आत्मग्लानि थी, इसके कारण उसने आत्महत्या भी कर ली। बाद में अमेरिगो वेस्पुसी जो वहाँ गया, उन्होंने उस जगह को देखा तो उसे पता लगा कि अच्छा, ये जगह तो बहुत ही कीमती है, बहुत ही मतलब उपनिवेश के लिए उत्तम जगह है, और उसने ही उसका नाम अमेरिका रखा था। लेकिन इसका खोज करने का श्रेय जाता है किसको? कोलंबस को। चलिए, तो किस तरह से स्पेन सबसे पहले उपनिवेश स्थापित करता है, फिर उसके बाद से इंग्लैंड भी उसमें प्रवेश करता है। भौगोलिक अनुसंधान तथा उपनिवेशों की स्थापना का प्रयास करने वाला पुर्तगाल दूसरा देश था। अफ्रीका के तट के पूर्वी देशों को उसने मुख्य रूप से चुना था, लेकिन अनेक पुर्तगाली नाविक अमेरिका की खोज के बाद दक्षिणी अमेरिका के तट के अनुसंधान में रुचि लेने लगे। स्वाभाविक था कि स्पेन और पुर्तगाल के मध्य इससे विवाद और संघर्ष होने लगा। दोनों देशों के विवादों को हल करना चाहते थे। इस उद्देश्य से स्पेन के राजा ने पोप से मध्यस्थता की प्रार्थना की। पोप ने सीमांकन के बारे में 1493 में अपना आदेश दिया। उसने उत्तर से दक्षिण तक एक रेखा खींच दी, जो अजोर द्वीप से 300 मील पश्चिम से होकर जाती थी। पोप ने घोषणा की कि स्पेन को इस रेखा के पश्चिम के प्रदेशों पर
यानी कि ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, तो यहाँ के पश्चिम के प्रदेशों पर कौन करेगा? स्पेन। और पुर्तगाल को पूर्वी देशों पर अधिकार देना होगा। इधर इस विभाजन से पुर्तगाल संतुष्ट नहीं था, क्योंकि नवीन संसार का समझ क्षेत्र, यानी कि जब ये बीचों बीच कर दिया तो नवीन संसार मतलब अमेरिका का जो था दक्षिणी और उत्तरी भाग, वो इधर साइड में हो गया, जिससे पुर्तगाल इससे संतुष्ट नहीं था। तो और उसकी गतिविधियाँ थी अफ्रीका और एशिया के देश तक सीमित रह गए। 1494 में दोनों के मध्य टॉर्डेसिलास की संधि हुई। इसके अनुसार इस विभाजन रेखा को पश्चिम की ओर हटा दिया गया, यानी कि इस विभाजन रेखा जो था इसको और इसको साइड कर दिया गया। इस परिवर्तन से ब्राज़ील पर अधिकार करने का अवसर पुर्तगाल को प्राप्त हुआ, यानी ब्राज़ील अमेरिका का देश है और इसका अधिकार किसको प्राप्त हुआ? दक्षिण में कुछ अधिकार उसके मिले तो ये पुर्तगाल को प्राप्त हुआ, जिसे पुर्तगाली नाविक केबाल ने 1501 में खोजा था। अच्छा, ब्राज़ील का खोज किसने किया था? पुर्तगाली नाविक केबाल ने। पुर्तगाल ने इस विभाजन रेखा के कारण पूर्वी देश में अपने निवेश की स्थापना की। अब पूर्वी देश चूँकि पुर्तगाल का तो ये सब था ही, पूर्वी देश यानी कि अफ्रीका, भारत में वो पुर्तगालियों ने एंट्री की और वहाँ उन्होंने अपने खोज कार्य आरंभ किए, अपने निवेशों की स्थापना का स्टार्टिंग किया। अब हम देखेंगे पुर्तगाल के उपनिवेश। ओके, पुर्तगाल ने पोप के निर्णय के अनुसार पूरब की ओर ध्यान केंद्रित किया। पुर्तगाली नाविक दास्को नहीं होगा, वास्को होगा। ओके, वास्को डिगामा ने 1498 में अफ्रीका के पूर्वी तट का खोजा और भारत के पश्चिमी तट पर वह पहुंच गया। ओके, अफ्रीका के पूर्वी तट को खोजा और भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच गया, और इससे अफ्रीका के पूर्वी तट, भारत, पूर्वी देशों में पुर्तगाली उपनिवेश स्थापित किए गए। और वहाँ पे सबसे पहले भारत में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी आया था? वो पुर्तगाल आया था और उसने भारत में अपने उपनिवेश स्थापित किए। 1510 में भारत के पश्चिमी तट गोवा, 1512 ईस्वी में पूर्वी तट पर तेनासिरम, लाल सागर पर सोकोत्रा, पूर्व मलक्का आदि पर अधिकार कर लिया। उन्होंने लंका में मन्नार और कोलंबो की शक्ति का केंद्र बनाया। पूर्वी द्वीप समूह में उन्होंने उपनिवेश स्थापित किया और थाईलैंड, चीन, जापान की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने अफ्रीका के तट पर सुफाला और मोजाम्बिक में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में उनका उपनिवेश था, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में भी उपनिवेश था। तो इस तरह से पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारतीय तट और पूर्वी अफ्रीका को अपना उपनिवेश स्थापित किया, और इस तरह से उनका उपनिवेश प्रारंभ हुआ। और उन्होंने उपनिवेशी साम्राज्य के माध्यम से, उपनिवेश के माध्यम से अपने अपने व्यापार का विस्तार किया। ओके, और ये सिलसिला यूरोपीय कंट्री में चल पड़ा और धीरे धीरे इनकी स्थिति तो थोड़ी सी कमजोर हुई, लेकिन इस फील्ड में आ गया कौन? इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ऐसा देश है, ऐसा व्यापारी देश है जिसने लगभग विश्व के सभी देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। ओके, इसे भारत में भी किए, चीन में भी किया, अमेरिका में भी किया। अमेरिका भी स्वतंत्र हुआ है किससे? इंग्लैंड से। भारत भी स्वतंत्र हुआ किससे? इंग्लैंड से। चीन भी हुआ किससे? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड जो था यह व्यापारियों का देश भी नेपोलियन ने कहा है इसे। तो ये सभी देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए और इस तरह से उपनिवेशों का प्रारंभ हुआ। और इस तरह से आपने यहाँ इस वीडियो में देखा स्पेन और इंग्लैंड में किस तरह से उपनिवेशी साम्राज्य स्थापित किए, इसका विस्तार किया। या ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन यदि बदल के भी आता है कि प्रारंभिक उपनिवेशी साम्राज्य की प्रक्रिया, यानी किस तरह से उपनिवेशी साम्राज्य का विस्तार हुआ, इसका भी आंसर यही होगा। और स्पेन और पुर्तगाल में कहा जाता है तो इसका भी आंसर यही होगा। ओके, तो आप इस वीडियो को देखें, समझे, शायद आपको इस पढ़ाते पढ़ाते ही आप इस वीडियो को, वीडियो लेक्चर को सुनते सुनते ही आपको याद हो गया होगा इसका पूरा टॉपिक, क्योंकि इतने अच्छे से इसमें समझाया गया है कि कैसे उपनिवेशों की स्थापना हुई। अब हम एक बार थोड़ा सा एक वीडियो लेकर जरूर आएंगे इंग्लैंड के उपनिवेशी साम्राज्य के बारे में। तब तक इस वीडियो को देखिए, समझिए। यदि वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करना करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस तरह के और वीडियो इंपॉर्टेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।